अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करने लगी हूँ फूडोहॉलिक के चैनल पे। आज की जो हमारी रेसिपी है उसका नाम है चिकन पॉकेट्स। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में पानी ले लिया है और उसमें मैंने चिकन ऐड किया है मेरी हाफ के जी से, थोड़ी सी ज़्यादा है चिकन। उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून और ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून डाल के आपने इसको कुक कर लेना है। जब ये कुक कवर करके कुक करना है, फिर जब ये कुक हो जाएगी तो इसको आपने श्रेड कर लेना है। फिर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, उसको कटर से कट कर लिए है और उसको आपने रोल आउट कर लेना है। रोल आउट करने के बाद आपने इसको एग वॉश में डिप करना है। एग वॉश के बाद आपने इसको क्रम्स लगा लेने हैं और उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। मीडियम हीट पे इसको फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो आपने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इसको सेंटर से कट करना है। अब हम इसकी पॉकेट क्रिएट करेंगे। उसके लिए ये जब थोड़ा सा गर्म होगा तो तब इजीली पॉकेट आपसे बन जाएंगी। ठंडा भी होगा बन जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो डैमेज होने का ज़्यादा डर खतरा है इसको। तो इसके लिए आपने थोड़ा सा ये जब हैंडल करने के हो जाएगी तो आप इजीली इसकी पॉकेट बना लेंगे। ये जब पॉकेट बन जाएगी तो फिर हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ये चिकन लिया है श्रेड किया हुआ, उसमें वेजेस आप अपनी अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। इसमें मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें कैबेज लिया है 1, कैप्सिकम 1 और कैरेट 1 ली है और उसको मैंने चॉप कर लिया है। उसके बाद इसमें मैंने मायो डाली है 1/2 कप और इसमें चिली सॉस डाली है 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है इसकी। उसके बाद हमने इनको फिल अप करना है। ये जो हमारी पॉकेट्स हैं उसमें पहले आपने सैलेड लीफ रखना है। उसके बाद आपने ये जो फिलिंग हमने बनाई है ये आपने जनरसली डालनी है इसमें फिलिंग। तो ये डाल के और ये हमारे चिकन पॉकेट्स बिल्कुल रेडी हैं। ये आप बच्चों को बहुत मज़ा आएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।